जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरती इंडस्ट्री लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा स्टॉक है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री के बारे में हम देखेंगे, आप यूट्यूब पर ज़्यादा चर्चा हो रहा है। रीजन इसके पीछे एक तो यह है कि पिछले काफ़ी दिनों से इसमें शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है। इस तेज़ी की बदौलत स्टॉक चर्चा में पिछले कुछ दिनों से है। और सबसे कमाल की बात ये कि ये स्टॉक अब अपने नेक्स्ट ब्रेकआउट के पास है। ब्रेकआउट कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तेज़ी आप देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस के पास आके ठहरा हुआ है, यानी कि इस रेजिस्टेंस को यदि ब्रेक करता है तो इसके शेयर प्राइस में एक शानदार इजाफा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आरती इंडस्ट्री के बारे में अभी बात करना काफ़ी ज़रूरी है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है तब भी, और नहीं है तब भी आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने को लेकर। देखेंगे अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान 537 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है तथा तकरीबन 2.25% के आसपास ये स्टॉक उछला। एक दिन का ये आप ग्राफ देख लीजिए कितना शानदार यहाँ पर ओपन होता है 521 के आसपास, 538 का ही लगाता है, और दिन भर में क्या शानदार तेजी से स्टॉक में देखने को मिला। अब देखिए पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो इस स्टॉक पर तकरीबन 8.5% के आसपास तेजी देखने को मिलेगी। पिछले एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में तकरीबन 2% के आसपास स्टॉक में गिरावट, पिछले काफ़ी दिनों से उस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। पिछले 6 मंथ में देख लेंगे 30% के आसपास से स्टॉक टूटा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जितना इस स्टॉक में गिरावट हुआ है पिछले कुछ दिनों में उसी उतना ही तेजी के साथ इस स्टॉक में रिकवरी होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है आरती इंडस्ट्री लिमिटेड और ये इस कंपनी के लंबी अवधि का चार्ट है। एक साल का मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन किया हुआ है, तो एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे सबसे पहले ये इस कंपनी का एक सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है यहाँ दिसंबर 2022 में। ये जो ब्रेक सपोर्ट था इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आया, फिर इसने 550 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाया और 550 रुपये का जो लेवल था इसको भी ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गया। नीचे आया तकरीबन 500 रुपये के आसपास, 500 से भी थोड़ा नीचे आ गया था, लेकिन यहाँ पर इसने अपना सपोर्ट लिया और 550 रुपये के आसपास फिर अब यहाँ से इसका प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा है। और अभी आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 550 रुपये के आसपास आपको जाते हुए दिखेगा, यानी कि जो पहले इसका सपोर्ट था अब वो इसका रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस पर क्या होता है कि जब ये नीचे से प्राइस जाता है रेजिस्टेंस के पास तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो इस कंपनी के शेयर पर किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस में एक शानदार तेजी देखने को मिलती है। अब सवाल यह है कि यदि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो प्राइस कहाँ तक आ सकता है? तो सबसे पहले तो 550 के आसपास आएगा जो कि ये इसका एरिया है, और उसके बाद फिर प्राइस यहाँ तक आ सकता है 600 के आसपास, फिर 650 के आसपास, ऐसे जहाँ जहाँ इस कंपनी का रेजिस्टेंस है वहाँ वहाँ तक ये आएगा। एक बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिए, यानी कि अभी एक शानदार अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में। यदि तुरंत आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वैसे मेरा इसमें कोई बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, या जो लोग इस स्टॉक में इंट्राडे भी करना चाहते हैं उनके लिए भी अभी ये स्टॉक अच्छा पैसा कमा कर दे सकता है। तो दोनों तरीके से आपके लिए इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी भरपूर है, क्योंकि यदि आप देखेंगे मैं आपको 5 साल के चार्ट इसका ओपन करके दिखाऊं, तो 5 साल के चार्ट पर आप देखेंगे इस स्टॉक में कितनी, मतलब पहले देखिए ये प्राइस इसका कहाँ था, पहले ज़्यादा नहीं मार्च 2018 में ही देख लीजिए, ये है मार्च 2018 के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था 300 रुपये के आसपास हुआ करता था, और देखिए मतलब 2018 के बाद से इसमें क्या शानदार तेज़ी देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि स्टॉक कितने तेज़ी से ऊपर की तरफ आया है यहाँ आने के बाद, नवंबर 2020 के बाद तो इस स्टॉक में और शानदार तेजी देखने को मिली है। यदि आप इसका हाई देखेंगे तो ये स्टॉक तकरीबन 1000 रुपये तक पहुँच गया था। एक समय ऐसा था कि 1000 रुपये तक का इस स्टॉक ने हाई लगाया है, और मैं बताऊं तो ये सितंबर 2021 के आसपास का एरिया जब इसका प्राइस 1000 रुपये के आसपास तक पहुंचा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर गिरावट हुआ, और गिरावट होने के बाद अभी स्टॉक 500 के आसपास आ गया था। तो सोचिए कि जो 1000 का स्टॉक है वो आपको अभी 500 में मिल रहा है, तो कौन व्यक्ति इसको बाई करना नहीं चाहेगा? और आरती इंडस्ट्री केमिकल सेक्टर में काफ़ी जाना पहचाना नाम है। केमिकल सेक्टर में कंपनी काम करते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। और अभी देखिए 500 के आसपास इस कंपनी का प्राइस ठहरा हुआ है, और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर उठ रहा है, तो इसके बाद एक बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने दीजिए 550 का, इसके बाद प्राइस ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये जो आरती इंडस्ट्री कंपनी है ये स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि मेन रूप से देखें तो केमिकल का ही कंपनी कारोबार करती है। और केमिकल के क्षेत्र में और भी तमाम कंपनियाँ, लेकिन वो सारी छोटी कंपनियाँ, जैसे विकास इकोटेक हो गया, विकास इकोटेक के बाद विकास लाइफ केयर हो गया, और भी तमाम छोटी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन आरती इंडस्ट्री इसमें सबसे जाना पहचाना और प्रमुख नाम है केमिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के मामले में। यहां पर देखेंगे तो कंपनी तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी का वैल्यूएशन, यानी कि एक बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और इसका जो शेयर प्राइस इसके बुक वैल्यू से ऊपर है, और बुक वैल्यू 3 डिजिट में। कमाल की बात है कि बुक वैल्यू इसका 3 डिजिट में है, और आरओई देखेंगे तो तकरीबन 30% के आसपास है, आरओसीई भी 22% के आसपास, यानी कि एक कमाल का रिटर्न ये कंपनी साल भर में आपको निकाल
हाल कर दे सकती है यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए अभी इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं ये डिपेंड करता है आप पर। यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी सोच विचार अपनी रणनीति बना लीजिएगा। मेरा व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं तो एक बार RSI का लेवल चेक कर लीजिएगा और RSI ठीक ठाक हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ी लंबी अवधि के लिए, या शॉर्ट टर्म के लिए भी यदि पैसा लगाना चाहते हैं तो ब्रेकआउट होगा, पैसे बन जाएंगे, उसके बाद आप बाहर हो सकते हैं। मेरा ये इस कंपनी के प्रति राय है। उम्मीद करता हूँ जो बातें आरती इंडस्ट्री के बारे में मैंने बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोई भी मन में इसके अलावा सवाल होगा तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।